हे बट्स अप गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस पैकेट की अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, जो कि है इसमें एक मेडिसिन है जो कि मैंने बन एम जी ऐप से जो है परचेज़ किया है। और गाइस इसका प्राइस जो है मैं आपको बता दूं, गाइस ये मुझे 216 रुपीज़ का जो है पड़ा है। गाइस आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप जो है लॉकडाउन में अपनी जो है मेडिसिन को कैसे ऑनलाइन बुक करके मंगा सकते हो। और गाइस इसमें जो डिलीवरी चार्ज लगा है वो 25 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज और 2 रुपीज़ जो है सेफ्टी टिप्स के लिए दिए गए हैं। काफ़ी सस्ती जो है डिलीवरी चार्ज हमें पड़ी है और हमारी मेडिसिन भी 3 डेज़ में जो है उन्होंने डिलीवर कर दी है। तो आज की इस वीडियो में आपको यही सब बताऊंगा। और गाइस इसके साथ एक और लफड़ा हो गया था, क्योंकि ये ई कॉम्स एक्सप्रेस की तरफ से जो है डिलीवर्ड की गई थी, तो उस डिलीवरी बॉय ने जो है मुझे 3 किलोमीटर दूर बुलाया मेरे घर से, मतलब हाईवे पर जो है मुझे प्रोडक्ट दिया। तो अगर आपके साथ भी कोई डिलीवरी जो है आपके होम तक नहीं पहुंचाता, हम क्योंकि हम तो डिलीवरी चार्ज जो है घर तक के देते हैं, तो उसके लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपका सोल्यूशन करा दूंगा। अगर वह बंदा फिर भी नहीं मानता तो आप उसकी जो है सर्विस सेंटर में जाइए, जैसे कि ई कॉम की तरफ से आया है, आपकी जो जहाँ भी आप बुक करते हो वहाँ पर लिखा रहता है कि कौन सी तरफ कंपनी की तरफ से जो है प्रोडक्ट डिलीवर्ड कराया जा रहा है, तो इस पर ई कॉम की तरफ से आया था। अगर वह बंदा समझ गया, मैंने उसको समझा दिया, अगर आगे से कोई दिक्कत करेगा तो मैं उसके ऑफिस में जाकर के जो है उसकी कंप्लेन कर दूंगा और फिर से मुझे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो गाइस आज की वीडियो में आपको यही अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। और गाइस काफ़ी दिनों से जो है हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी, उसका रीज़न ये था काफ़ी गर्मी हो रही है और काफ़ी दिनों से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, जिसकी वजह से मैं अपने चैनल पर वीडियो नहीं डाल रहा था। काफ़ी कम से कम गाइस मेरे चैनल पर जो है 62 डेज हो गए, जो कि मैंने अपने 62 दिन हो गए मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की। लास्ट वीडियो मेरी 62 दिन पहले है और मेरा जो व्यू एवरेज था और सब्सक्राइब एवरेज था वो भी काफ़ी डाउन हो गया। तो गाइस आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप हमें सपोर्ट कीजिए और हमारा एवरेज जो है सही हो जाएगा, उम्मीद करता हूँ सब चीज़ सही चलेगी। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस आप देख सकते हो पैकेट की पैकिंग जो है कुछ इस प्रकार की, और यहाँ पर डिलीवर टू यहाँ पर मेरा एड्रेस लिखा हुआ है। ये गाइस जो मैंने पैकेट है ये कैश ऑन डिलीवरी मंगाया हुआ है, और यहाँ पर इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट। गाइस ये मैंने 14 जनवरी में ये बुक किया था और ये मुझे गाइस 16 जनवरी में जो है रिसीव हो गया है। काफ़ी फास्ट जो है इनकी डिलीवरी सर्विस है। और गाइस इसका यूज़ करने के बाद जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये bunmg.com की तरफ से जो है आया है। और गाइस मैं आपको इस वीडियो में इसका यूज़ कैसे करना है सब कुछ आपको अच्छी तरीके से जो बता दूंगा। तो आप देख सकते हो मैं कट्टर से जो है इसकी जो है अच्छे से पैकिंग को जो है अनरैप कर लेता हूँ। इधर से मैंने कट कर और मैं इधर से इसको कर देता हूँ और उसके बाद जो है मैं इसको आपको ओपन करके दिखा दूंगा। गाइस ये जो है bunmg.com की तरफ से जो आया है और इसकी टोटल अमाउंट जो है 216 रुपीज़ जो है मुझे पड़ा है, 216 रुपए का पूरा पैकेट। गाइस 25 रुपए डिलीवरी चार्ज, 2 रुपए सेफ्टी टिप्स के, और गाइस और 189 रुपीज़ का जो था ये हमारा प्रोडक्ट था। तो आप देख सकते हो गाइस ये हमारा जो है एडाप्लिन एंड क्लिंडामाइसिन फास्फेट जेल है, एक्सनोलिन नैनोजेल, और ये काफ़ी अच्छा है और ये 15 ग्राम का है। गाइस आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का, और इसके अंदर हमें गाइस एक जो है बिल रखा हुआ मिल जाता है। गाइस बिल के अंदर जो है डिलीवरी चार्ज और सेफ्टी टिप्स के चार्ज जो है ऐड नहीं किए गए हैं। आप देख सकते हो 189 रुपीज़ का जो है बिल है और bunmg की मोहर और यहाँ पर कुछ साइन वगैरह किए गए हैं। तो गाइस इसको हम साइड करते हैं, साइड करने के बाद मैं आपको जो है इसके अपने प्रोडक्ट की तरफ बढ़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये किस प्रकार का है और आपको ये लेना चाहिए या नहीं। तो गाइस आप देख सकते हो ये कुछ इस प्रकार का है, और गाइस पीछे भी यही है और साइड में इसके कुछ वजन वगैरह लिखा है, और यहाँ पर ये 189 रुपीज़ का पड़ा हुआ है मुझे, और ये नवंबर 2019 में बना था और अक्टूबर 2021 में जो है एक्सपायर हो जाएगा 2 साल बाद। तो गाइस मैं सिंपली जो है इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। गाइस इसके अंदर हमें डायरेक्टली हमारी जो है जेल वो रखा हुआ मिल जाता है, और गाइस इसके अंदर हमें एक जो है ये हमारे जो पिंपल है उस पर लगाने के लिए, इसमें गाइस हमारा मैं आपको दिखा देता हूँ ये यूज़र मैनुअल है इसको कैसे यूज करना है। तो इसके अंदर गाइस लिखा हुआ है इसमें आपको कैसे जो है इसका यूज करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर पिक्चर में भी आपको सिंपली इसके ऊपर जो है अपना जेल लेना है और जहाँ भी आपके पिम्पल है उस पर आपको इसको लगा देना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा जो है इसका पेपर है और यूज़र मैनुअल है। तो सिंपली मैं जो है अपना जो है आपको ये जेल दिखा देता हूँ, एक्सनोल ए नैनो जेल। तो गाइस आपको जो है एक बार डॉक्टर से जो है सलाह ले लेनी है और उसके बाद ही आप इसका यूज कर सकते हो। गाइस ये जो जेल है ये ट्रांसपेरेंट जेल है, आपको मैं दिखा दूँ, आप देख सकते हो गाइस ये जो है ट्रांसपेरेंट जेल है। और गाइस ये आपकी अगर ऑयली स्किन है तो आप तो ही इसका यूज कर सकते हो, वरना आपकी अगर ड्राई स्किन है तो आपको जो है नुकसान भी दे सकता है। तो गाइस आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले उसके बाद ही आप इसको परचेज़ कीजिएगा। और गाइस आपको ये रात में एक बार लगा करके सो जाना है और सुबह अपना मुंह धुल लेना है, और गाइस आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दिए लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल पर दिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।